ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हरे कृष्ण। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे वसुदेव जी कंस को पहले काफ़ी सारे उपदेश देते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं, पर कंस सुनने के मूड में नहीं था। क्योंकि जिस व्यक्ति ने डिसाइड किया है मैं अभी सुनूंगा नहीं, ऐसा व्यक्ति को सुना नहीं सकते। जैसे कहावत है ना, आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, उसको फोर्सिबली पानी पिलाने का प्रयास करोगे वो लात मारेगा, है कि नहीं। कौन से व्यक्ति को उठा सकते हो? जो सोया है उसको उठा सकते हो, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको उठाओगे कैसे, है कि नहीं। अगर कोई बहुत ज़िद्दी है मैं चेंज नहीं होऊंगा, आई विल नॉट चेंज, ऐसे व्यक्ति को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए गुरु आवश्यक है, जो प्रामाणिक गुरु है वो आवश्यक है, पर उससे इम्पॉर्टेंट है हमारा शिष्य का कर्तव्य। अगर हम बंद हैं, गुरु का उपदेश सुन नहीं रहे हैं, तो हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। तो वसुदेव जी पूरा उनका जो बेस्ट प्रवचन है, बेस्ट शॉट देते हैं कंस को, पर कंस के हृदय का कुछ परिवर्तन नहीं, नो चेंज। इसलिए वसुदेव जी प्रैक्टिकल बातचीत करते हैं कंस से। वो बताते हैं कि देखो तुमको, हे मेरे प्रिय कंस, तुमको भाई किससे है? देवकी के पुत्रों से है। देवकी से तो भाई नहीं, तो अब तक तो पुत्र भी नहीं हुए, और पहला पुत्र नहीं, आठवें पुत्र से तुमको भाई है। तो तभी का जो प्रॉब्लम है उसका टेंशन अभी क्यों ले रहे हो? जब होगा तब देखा जाएगा। और किसका भरोसा, ये जो आकाशवाणी है शायद गलत हो, शायद रॉन्ग नंबर लग गया, देवता थोड़ा मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तो तुम इस आकाशवाणी पे पूरा भरोसा कैसे कर सकते हो? और फिर भी अगर तुमको लगता है कि देवकी के पुत्र तुमको मारेंगे, मेरा ये प्रॉमिस है, मेरा ये वचन है, जब भी उनका जन्म होगा मैं आके आपको सौंप दूंगा। आई विल कम एंड गिव देम टू यू। कंस न्यू द वैल्यू ऑफ वसुदेव्स वर्ड ऑफ ऑनर एंड ही वॉज कन्विंस्ड बाई हिस आर्ग्यूमेंट। तो इसलिए वसुदेव का जो फिलोसफी है, प्रवचन है, वो तो काम में नहीं आया, बट ये प्रैक्टिकल बातचीत कंस के दिमाग के अंदर फिट हो गया। तो कंस कन्विंस हो गया, क्योंकि वसुदेव जी इतने महान भक्त थे, कंस को भी पता था वसुदेव अगर कुछ बोलेंगे अवश्य पालन करेंगे शब्दों का। इसलिए जो षड गोस्वामी अष्टकम है उसमें वर्णन आता है, धीर अधीर जनप्रियो, जो गोस्वामी थे भक्तों के लिए भी प्रिय थे और जो अभक्त हैं उनके लिए भी प्रिय थे। तो कंस उसके जो साथीदार है, दोस्त है, उस पर विश्वास करता था कि नहीं, वसुदेव पे विश्वास करता है और स्वीकार कर लेता है। तस वसुदेव वॉज प्लीस्ड एंड प्रेज द डिसीजन ऑफ कंस, इन दिस वे ही रिटर्न टू हिज होम। इस तरह से वसुदेव सफल होते हैं। इतना बड़ा जो खतरा था
सामने आके रुका था, उन्होंने पोस्टपोन करा दिया। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत बार प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन करना अच्छा सोल्यूशन है, कि पोस्टपोनिंग इट, स्पेशली मन के साथ डील करने में। मन जब बहुत सारे प्रपोजल्स देता है, बेस्ट तरीका क्या है, पोस्टपोन करो, कल देखते हैं, कल देखते हैं। तो इस तरह से दिन के बाद दिन, डे आफ्टर डे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से वसुदेव बहुत सुंदर तरीके से नेगोशिएट करते हैं कंस के साथ, बहुत सुंदर नेगोशिएशन। और इस तरह से कंस मान जाता है और वसुदेव और देवकी घर आते हैं। आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वसुदेव एंड देवकी गिव बर्थ टू 8 मेल चिल्ड्रन एज वेल एज 1 डॉटर। तो सालों साल जब बीत गया तो वसुदेव और देवकी 8 पुत्रों को और एक पुत्री को जन्म देते हैं। When the first son was born, वसुदेव kept his word of honor and immediately brought the child before Kansa। देखो वसुदेव का क्या लेवल है, what is the level of वसुदेव। पहला पुत्र जब जन्म होता है, वसुदेव ने वचन दिया था कंस को, जब भी पुत्र जन्म होंगे मैं आपको आके सौंप दूंगा। तो वसुदेव तुरंत ये बच्चे को लेके जाते हैं कंस के पास। इट इज सेड दैट वसुदेव वॉज वेरी मच एलिवेटेड एंड फेमस फॉर हिज वर्ड ऑफ ऑनर एंड ही वॉन्टेड टू मेंटेन दिस फेम। तो वसुदेव बहुत प्रसिद्ध थे। तो वसुदेव का और एक नाम है अनक दुंदुबी। तो वसुदेव का जब जन्म होता है, दुंदुबी करके एक ड्रम होता है जैसे मृदंग होता है ना, तो पूरे आकाश में गंधर्व ये बजा रहे थे, दुंदुबी बजा रहे थे। तो इसलिए वसुदेव का एक नाम है अनक दुंदुबी। तो बहुत प्रसिद्ध थे अपना जो वचन है उसका पालन करने में। तो इसलिए वसुदेव जाके कंस को ये बच्चे सौंप देते हैं। ऑल्दो इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर वसुदेव टू हैंड ओवर द न्यूली बॉर्न चाइल्ड, कंस वॉज वेरी ग्लैड टू रिसीव हिम। तो इमेजिन कीजिए, कृष्ण को जन्म देना इतना आसान नहीं है, कितना दर्द सहन किया होगा वसुदेव और देवकी ने स्वयं के पुत्र को लेके कंस को देना, जो चाहिए कर दो, इट्स नॉट दैट ईजी। बट ही बिकेम अ लिटिल कंपैशनेट विद द बिहेवियर ऑफ वसुदेव। दिस इवेंट इज वेरी एग्जाम्पलरी। तो कंस जब वसुदेव जब लेके आते हैं, कंस बहुत प्रसन्न होता है कि ऐसा व्यक्ति पहले बार जिंदगी में देख रहा हूँ, स्वयं का बच्चा आके मुझे दे रहा है, जो करना है करो। कंस बहुत प्रसन्न होता है, साथ ही साथ उसको दया भी आता है, क्योंकि उस स्वयं का बांझा है, तो दया आता है। और उसके अंदर कंस सोच रहा है छोड़ देते हैं बच्चे को, क्योंकि मुझे कष्ट है, मुझे समस्या है 8वें बच्चे से, ये बच्चे से मुझे समस्या नहीं है, इसको छोड़ देंगे। दिस इवेंट इज वेरी एग्जाम्पलरी फॉर अ ग्रेट सोल लाइक वसुदेव। There is nothing considered to be painful in the course of discharging one's duty. तो ये दो incident है, बहुत important है कि वसुदेव जैसे जो महान संत हैं, उनके लिए अपना duty, अपना जो responsibility है वो करते हुए कुछ भी चीज़ सहन करने के लिए तैयार है, कितना भी दर्द आए सहन करने के लिए तैयार है। तो वसुदेव जी को लग रहा है मैंने वचन दिया है, तो वचन के पालन में कितना भी कष्ट आए मैं सहन करूंगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, मात्र स्पर्शास्त कौंतेय शीतोष्ण सुख दुख द आगम आपाइनो अनित्यस ताम तितिक्षस भारत। अर्जुन को बोल रहे हैं सहन करो जितना भी कष्ट है आपके कार्य में, वट एवर ऑब्स्टिकल्स कम इन योर ड्यूटी फेस इट इवन इफ इट इज पेनफुल एंड गो अहेड। क्योंकि अर्जुन भी भागना चाहते थे, क्योंकि सामने उनके रिश्तेदार हैं, अर्जुन भाग रहे हैं, पर कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं नहीं आपको युद्ध करना है। तो वैसे वसुदेव जी चाहे तो बच्चे को लेकर भाग सकते थे, पर उनको लगा मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, मैंने वचन दिया है। ऑन दी अदर हैंड, तो इसलिए यहाँ पर वर्णन है, ये भागवतम का श्लोक है, वर्णन आता है कि वसुदेव जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कितना भी कठिन परिस्थिति हो वो कर लेंगे अपना कार्य करते हुए, वचन का पालन करते हुए। अ लर्नर पर्सन लाइक वसुदेव कैरीज आउट हिज ड्यूटीज विदाउट हेजिटेशन। तो वसुदेव जैसे महान संत क्या करते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं, कार्य करते हैं विदाउट हेजिटेशन, कितना भी कष्ट आए बाधाएं सहन करने के लिए तैयार हैं। जैसे शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने बोला था प्रचार करो,
पाश्चात्य देश में। प्रभुपाद का उम्र क्या था? 70 साल। फिर भी प्रभुपाद ने सहन किया, जो भी ऑब्स्टकल्स आए प्रभुपाद सहन किए, अकेले गए अमेरिका प्रीचिंग करने के लिए, पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जब गए जलदूत में, 2 हार्ट अटैक हो गया जाते हुए। प्रभुपाद कभी भी वापस आ सकते थे लौट के, पर प्रभुपाद बोले मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है प्रचार करना, मैं करूँगा। इनफैक्ट प्रभुपाद जब अंतिम दिनों में थे, वृंदावन आ चुके थे, फिर भी प्रभुपाद एक बार लंदन जाके आते हैं, टच करके आते हैं लंदन, क्योंकि प्रभुपाद को लगता है हमारा कर्तव्य है काम करना, कृष्ण की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ऑन दी अदर हैंड, अ डीमन लाइक कंस नेवर हेजिटेट्स इन कमिटिंग एनी अबोमिनेबल एक्शन। तो ये विपरीत है, वसुदेव जैसे महान संत सही कार्य करने के लिए पीछे नहीं हटते, और कंस जैसे असुर गलत कार्य करने के लिए पीछे नहीं हटते। दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं, राइट, और दोनों विदाउट हेजिटेशन, बिना संकोच का अपना कार्य कर रहे हैं। जो संत हैं बिना संकोच का भगवान की भक्ति और सही कार्य करता है, और जो असुर हैं बिना संकोच का गलत कार्य करता है कि नहीं? ये दुनिया में आप देखेंगे कितने सारे लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, पर कितना बिंदास गलत कार्य करते हैं, सामने सामने सब बिंदास गलत कार्य करते हैं। इसको बोलते हैं बोल्डनेस, जस्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, चारों नियमों को तोड़ेंगे सामने, सिगरेट ऐसा घमंड के साथ फूकेंगे, दारू पियेंगे, उनको लगता है यही सब जिंदगी है। तो अगर भौतिक व्याधी व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस के साथ गलत कार्य कर सकता है, तो भक्तों को कितने कॉन्फिडेंस के साथ भगवान की भक्ति और प्रचार कार्य करना है। ऑन द अदर हैंड, अ डीमन लाइक कंस नेवर हेजिटेट्स इन कमिटिंग एनी अबोमिनेबल एक्शन। इट इज सेड देयरफॉर दैट अ सेंटली पर्सन कैन टॉलरेट ऑल काइंड्स ऑफ मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ, अ लर्नड मैन कैन डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज विदाउट अवेटिंग फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, a heinous person like Kamsa can act in any sinful way, and a devotee can sacrifice everything to satisfy the supreme person of Godhead. ये शुकदेव गोस्वामी ये श्लोक बोल रहे हैं कि जो संत हैं कितना भी मुश्किल परिस्थिति है वो सहन करने के लिए तैयार है, वो संत का लक्षण है। a learned man, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, अपना कार्य जितना भी कठिन परिस्थिति है अपना कार्य करेगा, he will do his duty. and a heinous person like Kamsa, कंस जैसा असुर पापी गलत कार्य करेगा ही करेगा, कैसे तो ढूंढ के गलत कार्य करेगा। और जो भक्त हैं भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, पूरा दुनिया छोड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पे वसुदेव स्वयं के पुत्र को त्याग रहे हैं कृष्ण के प्राकट्य के लिए। सो ये भक्त का एग्जाम्पल है, भक्त एनी लिमिट भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, और जो असुर स्वयं की संतुष्टि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, राइट, बोथ ऑफ देम क्रॉस लिमिट्स, दोनों लिमिट्स क्रॉस करते हैं, एक व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, एक व्यक्ति कृष्ण के संतुष्टि के लिए करता है। कंस बिकेम सैटिस्फाइड बाय द एक्शन ऑफ वसुदेव, तो कंस बहुत संतुष्ट हो जाता है, बहुत अच्छा, शाबाश वसुदेव, आपने आपके शब्दों को का पालन किया। ही वॉज सरप्राइज टू सी वसुदेव कीपिंग हिज प्रॉमिस and being compassionate upon him and pleased, he began to speak as follows. तो कंस बहुत प्रसन्न होता है और उसको आश्चर्य भी लगता है, ऐसा भी व्यक्ति दुनिया में है क्या? आजकल के परिस्थिति में जब लोग इतना गलत कार्य करते हैं स्वयं को बचाने के लिए, वसुदेव जैसे व्यक्ति स्वयं को बच्चे को आके मुझे सौंप रहे हैं, तो कंस को बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि उसने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा ही नहीं। तो सरप्राइज होता है और उसके मन में थोड़ा दया भी आता है और बात कर रहा है वसुदेव जी से। माई डियर वसुदेव, यू नीड नॉट प्रेजेंट दिस चाइल्ड टू मी, आई एम नॉट इन डेंजर फ्रॉम दिस चाइल्ड। तो कंस बोल रहा है वसुदेव जी, ये बच्चे की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसका हृदय का थोड़ा परिवर्तन हो गया, बोल रहा है क्योंकि मुझे ये बच्चे से तो भय नहीं है, डेंजर नहीं है। आई हैव हर्ड दैट द 8th चाइल्ड बॉर्न ऑफ यू एंड देवकी विल किल मी, Why should I accept this child unnecessarily? You can take him back. मैंने सुना है आकाशवाणी के अनुसार आपका 8वां पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, पहला पुत्र तो नहीं, तो आप लेके जाओ उसको, आप लोग एंजॉय करो। When Vasudeva was returning home with his firstborn child,
although he was pleased by the behavior of Kamsa, he could not believe in him because he knew that Kamsa was uncontrolled. तो वसुदेव जी वापस लेके आ रहे हैं बच्चे को, थोड़ा प्रसन्नता था कि बच्चा वापस मिल गया, पर फिर भी उनको पता था कंस का बुद्धि कभी भी फिर सकता है. क्यों? क्योंकि इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है. यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वेर गुणे तत्र समासते सुरा हरव अभक्तस्य कुतो महद गुना मनोरते नास्ति धावतो बही. हरव अभक्तस्य कुतो महद गुना, जो भगवान के भक्त नहीं है उनके पास कौन सा गुण होता है? ये जो दया है ये सब क्या है? मनोरते नास्ति धावतो बही, मन के स्तर पे है. और मन क्या है? कभी भी पलटी कर लेगा, है कि नहीं? आज ऐसा मूड है, कल मूड चेंज होता है. ये मूड का कुछ भरोसा नहीं है, एक एक सेकंड में मूड चेंज होता है. तो वसुदेव को लगा ये तो मूड कम से कम एक ही बार आया है, ये कभी भी पलट जाएगा. तो इसलिए उनको पूरा कॉन्फिडेंस था, जैसे कंस को कॉन्फिडेंस था कि वसुदेव अपने वचन नहीं तोड़ेंगे, वसुदेव को पूरा कॉन्फिडेंस था कंस अपना वचन तोड़ेगा, निश्चित रूप से तोड़ेगा, राइट? सो दैट वॉज द कॉन्फिडेंस ऑफ वसुदेव. क्यों? क्योंकि अभक्त है, इसलिए जो भगवान के भक्त नहीं है उन पर कितना विश्वास करोगे? क्योंकि उनका मन कंट्रोल नहीं है, जिसका मन नियंत्रित में नहीं है उस पर विश्वास कैसे कर सकते हो? एंड एथिस्टिक पर्सन cannot be firm in his word of honor. तो जो नास्तिक है उसको अपने वचनों का कभी पालन नहीं करेगा, no guarantee. One who cannot control the senses cannot be steady in his determination. तो जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता वो अपने जो वचन का पालन ठीक तरह से नहीं कर सकता. इसलिए भक्ति में हम अलग अलग व्रत लेते हैं, दीक्षा के समय व्रत लेते हैं, अलग अलग व्रत लेते हैं. तो ये सब व्रत पालन करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, निश्चय चाहिए. और निश्चय कब होगा? जब हमारी इंद्रियों को हम दमन करेंगे. ओनली वेन वी कंट्रोल अवर सेंसेस वी कैन बी डिटर्मिन्ड. द ग्रेट पॉलिटिशियन चाणक्य पंडित सेड नेवर पुट योर ट्रस्ट इन अ डिप्लोमैट और इन अ वुमन. तो चाणक्य पंडित का ये नीति शास्त्र है, बोलता है कभी भी जो राजा है, पॉलिटिशियन है और जो स्त्री है उन पे विश्वास मत करो. Those who are addicted to unrestricted sense gratification can never be truthful, nor can they be trusted with any faith. तो इसका मतलब क्या है? जो लोग ये भक्तों को लागू नहीं होता, इसका मतलब है जो लोग अपने स्वयं के इंद्र तृप्ति के लिए जीते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड, उनका जिंदगी का एक ही लक्ष्य है स्वयं का भोग, ऐसे व्यक्ति पे कभी विश्वास नहीं कर सकते. कभी भी उनका हमारा जो विश्वास है उनके ऊपर वो टूट जाएगा. तो इसलिए वसुदेव जी जब वापस आ रहे हैं उनको पता था कि कंस का मूड कभी भी चेंज होगा. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिपेयर फॉर द बेस्ट बट एक्सपेक्ट द वर्स्ट, राइट? यू नो या इट्स एक्सपेक्ट द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. मतलब एक्सपेक्ट करो कि सब अच्छा हो. वसुदेव जी वापस आ रहे हैं, बच गया मेरा बच्चा, वापस आ गया. पर उनको पता था गलत भी हो सकता है, कंस का मूड चेंज भी हो सकता है. सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, राइट? सो दैट इज इंटेलिजेंस. एट दैट टाइम द ग्रेट सेज नारद केम टू कंस. तो यहाँ पे और एक टर्निंग पॉइंट होता है. देखो ये स्टोरी कैसे चेंजेस आ रहा है, राइट? तो पहले तो कंस देवकी को मारने वाला था, वसुदेव जी कैसे जो बचा देते हैं देवकी को. पहला पुत्र का जन्म होता है, कंस छोड़ देता है, पर सडनली नारद का एंट्री होता है वहाँ पे. तो ये भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि नारद मुनि आते क्यों हैं इधर. तो उसी समय नारद मुनि का प्रकट होता है कंस के सामने. ही वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ कंसर्स बीइंग कंपैशनेट वसुदेव एंड रिटर्निंग हिज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड. तो नारद मुनि को ये समाचार मिलता है कि कंस के अंदर दया आ गया और उसने वसुदेव का पहला बच्चा छोड़ दिया. तो नारद मुनि भागते भागते आए कंस को मिलने के लिए, इमीडिएट मीटिंग किया उन्होंने. नारद वॉज वेरी एंग्शियस टू एक्सेलरेट द डिसेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज सून एज पॉसिबल. क्योंकि नारद को बहुत इच्छा था कि कृष्ण का प्राकट्य होना चाहिए जल्दी. और कृष्ण का प्राकट्य कब होगा? जब वो आठवां पुत्र के रूप में आएंगे. और उनको पता था कि ये छह पुत्र जब निकलेंगे तभी आठवें पुत्र के रूप में कृष्ण आएंगे. तो नारद मुनि स्पीड अप करना चाहते हैं. तो इसलिए वो क्या बोलते हैं? He therefore informed Kamsa
that personality is like Nanda Maharaj and all cowherd men and girls and the wives of the cowherd men in Vrindavan. And on the other side, Vasudev, his father Surasen and all his relatives born in the family of Vrishti of the Yadu dynasty were preparing for the appearance of the Lord. So Narad Muni bolte hain, main देवताओं का कॉन्फिडेंस सुन के आया था, क्योंकि नारद मुनि का एक ऐसा पोजीशन था, इधर भी जा सकते थे उधर भी जा सकते थे, तो नारद मुनि को हर कोई वेलकम करता था। जैसे मैं बता रहा था गोस्वामी ऐसे थे धीर धीर अधीर जनप्रियो, तो नारद मुनि देवताओं के लिए भी प्रिय थे असुर के लिए भी प्रिय थे। तो नारद मुनि कंस को बोलते हैं, सीक्रेट बात बताता हूँ, मैं अभी देवताओं को कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया और वहाँ पर यह समाचार चल रहा है कि वो सब देवता वृष्टि कुल में वृंदावन में यदुकुल में उन्होंने जन्म लिया है, तो आप किसी पे भरोसा मत करो, आपके पिता पे भी भरोसा मत करो, क्योंकि शायद वो कुछ देवता रहेंगे और इन सब का प्लानिंग है आप जैसे असुरों को मारने का। नारद वॉन्ट कंसा टू बी केयरफुल ऑफ द फ्रेंड्स एंड वेलविशर्स एंड ऑल द डेमीगॉड्स टेकिंग बर्थ इन देयर फैमिलीज। तो नारद मुनि बोलते हैं थोड़ा केयरफुल रहो, क्योंकि कौन देवता रहेगा पता नहीं, दोस्त के रूप में आएगा रिश्तेदार के रूप में आएगा पर वो देवता रहेगा। कंस एंड हिज फ्रेंड्स एंड एडवाइजर वर ऑल डीमंस, डीमंस आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ डेमिगॉड्स। तो नारद मुनि क्या करते हैं, कंस का वीक पॉइंट टच करते हैं। वीक पॉइंट क्या है, असुर और देवता इन दोनों का कभी जमता नहीं है, इसलिए इमिडिएटली जब नारद मुनि बोलते हैं इसको कि देवता आए रहेंगे तुम्हारे आजू बाजू, कंस बहुत डर जाता है, ही बिकम्स वेरी स्केयर्ड, बहुत भयभीत होता है। After being thus informed by Narada about the appearance of the demigods in different families, Kamsa at once became alert. तो नारद मुनि ये बताते हैं, और इनफैक्ट वर्णन आता है कि नारद मुनि कंस को एक कमल देते हैं, कमल का जो फूल है और उसमें 8 पेटल्स थे, पंखुड़ियाँ थे। तो नारद मुनि कंस को बोलता है कि बताओ कौन सा पहला है कौन सा 8वां है। तो कंस वो देख रहा है, उसका दिमाग थोड़ा ठीक तरह से चलता नहीं है, बट धीरे धीरे उसको समझ में आता है नारद मुनि क्या बता रहे हैं, कि कमल का पंखुड़ी सर्कुलर सर्कल में रहता है, पहला 8वां कुछ भी हो सकता है। तब कंस को समझ में आता है नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, तो ये देवताओं का कुछ भरोसा नहीं है, 8वां पुत्र शायद पहले के रूप में आया होगा, क्या बोल सकते हैं, रिस्क कौन लेगा। तो इसलिए कंस वापस वसुदेव को बुलाता है, राइट, डिसीजन चेंज होता था कम से कम। तो अलग अलग कारण है जिसके वजह से नारद मुनि कंस को ये कराते हैं। एक तो हमने देखा प्रभुपाद बता रहे हैं कि नारद मुनि का इच्छा था कि कृष्ण का अवतार शीघ्र होना चाहिए। दूसरा कारण था ये जो 6 बच्चे थे देवकी और वसुदेव के, ये एक्चुअली कालनेमी के पुत्र थे और इनका ऐसा सिचुएशन था कि वही जो काले नेमी अभी कंस के रूप में आता है और इनको वरदान था जब आपके पिता स्वयं आपको मारेंगे इन लोगों का उद्धार होगा। तो नारद मुनि चाहते थे इन बच्चों का भी तुरंत उद्धार हो जाए, जब कंस मारेगा इनका तुरंत उद्धार होगा। इसलिए वैष्णवों की क्रिया को अपने बुद्धि से हम समझ नहीं सकते, वी कैन नेवर अंडरस्टैंड। अपने क्षमता के अनुसार वैष्णवों की क्रिया को कभी मापना नहीं चाहिए, स्पेशली महान संतों को, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड। शास्त्रों के दृष्टिकोण से हमको देखना है। सो कंस क्या करता है, कंस एट वंस बिकेम अलर्ट। जब नारद मुनि आते हैं कंस बहुत अलर्ट बन जाता है। ही अंडरस्टूड दैट सिंस द डेमिगॉड्स हैड ऑलरेडी अपीयर्ड, लॉर्ड विष्णु मस्ट बी कमिंग सून। तो उसको समझ में आ गया देवता आ गया मतलब रेडी कर रहे सीन है कि नहीं, मिनिस्टर चले गए बॉडीगार्ड चले गए मतलब आ ही रहे प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं। तो कंस को लगने लगा देवता आ गया मतलब अभी विष्णु भी आएंगे। ही एट वंस अरेस्टेड बोथ हिज ब्रदर इन लॉ वसुदेव एंड देवकी एंड पुट देम बिहाइंड प्रिजन बार्स। तो वो पहले इंसिडेंट के बाद वो छोड़ देता है देवकी और वसुदेव को, आप जहाँ रहना है रहो आपके घर में, जब भी पुत्र होगा मुझे आके दे दो। अभी इतना भयभीत हो जाता है, बच्चे को भी ले लेता है पहला पुत्र को और देवकी और वसुदेव को जेल में डाल देता है। विद इन द प्रिजन Shackled in iron chains, Vasudev and Devaki gave birth to a male child year after year. And Kansa, thinking each of the babies to be the incarnation of Vishnu, killed them one after another.
तो ये कारागृह में एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा जन्म देते हैं वसुदेव और देवकी, और कंस हर एक बच्चे को मारता है निर्दयी पूर्वक, क्योंकि उसको लगता है शायद यही विष्णु है। He was particularly afraid of the eighth child, but after the visit of Narada, he came to the conclusion that any child might be Krishna. तो पहला तो उसको भय था आठवें बच्चे से, पर नारद मुनि के विजिट के बाद उसको समझ में आ गया कृष्ण का कुछ भरोसा नहीं है, बहुत चीटिंग करते हैं कृष्ण, तो इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेना है, पहले बच्चे से ही मारना शुरू। Therefore, it was better to kill all the babies who took birth from Devaki and Vasudev. This action of Kamsa is not very difficult to understand. तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये तो समझना बहुत मुश्किल नहीं है, कंस इतना क्रूर कार्य कैसे कर सकता है, यही तो इतिहास है। There are many instances in history of the world of persons in the royal order who have killed father, brother or a whole family and friends for the satisfaction of their ambitions. यह पहला स्टोरी नहीं है कंस का, ऐसे बहुत सारे इतिहास में हुए हैं जो राजा कुल में जिनका जन्म हुआ है, स्वयं के पिता, स्वयं के पुत्र, स्वयं के भाई, स्वयं के परिवार को भी मारेंगे स्वयं के स्वार्थ के लिए, अपना एम्बिशन। जैसा औरंगजेब था, अपने पिता को जेल में डाल दिया, भाई को मार दिया, सब कुछ कर दिया। हिरण्यकशिपु स्वयं राज्य करने के लिए अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार। तो जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया, जो साधु संत हैं भगवान की संतुष्टि के लिए कौन सा भी लिमिट तक जा सकते हैं, और जो असुर हैं स्वयं की संतुष्टि के लिए कौन सा भी लिमिट तक जा सकते हैं, पूरा बेशरम होके सबको मार सकते हैं। देयर इज नथिंग एस्टोनिशिंग अबाउट दिस, फॉर द डेमोनिक कैन किल एनी वन फॉर दियर नेफेरियस एक्टिविटीज। तो इसमें आश्चर्य की कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि कंस जैसा असुर स्वयं के स्वार्थ के लिए, स्वयं के एम्बिशन के लिए किसी को भी मार सकता है। Kamsa was made aware of his previous birth by the grace of Narad. तो कंस को नारद मुनि बताते हैं आप पहले जन्म में कौन थे। He learned that in his previous birth he was a demon of the name Kala Nemi and that he was killed by Vishnu. तो नारद मुनि कंस का जो स्पिरिट बढ़ाने के लिए, विष्णु के प्रति जो क्रोध बढ़ाने के लिए बताते हैं इतिहास, तुम पिछले जन्म में एक असुर थे काल नेमी और तुमको विष्णु ने मारा था। Having taken this birth, his birth in the Bhoja dynasty, he decided to become the deadly enemy of the Yadu dynasty. Krishna was going to take birth in that family and Kamsa was very much afraid that he would be killed by Krishna just as he was killed in his last birth. तो नारद मुनि याद दिलाते हैं पिछले जन्म में भी तुम बहुत बड़े असुर थे पर विष्णु ने आके तुमको मारा, ये जन्म में तुम कंस बन गए पर ये जन्म में भी वही विष्णु आ रहे हैं कृष्ण के रूप में तुमको मारने के लिए। तो कंस को और क्रोध होने लगा पिछला जन्म ये याद दिला के। He first of all imprisoned his father Ugrasen because he was the chief king among the Yadu, Bhoja and Andhaka dynasties and he also occupied the kingdom of Shurasen, Vasudev's father. तो कंस एक साथ क्या क्या करता है देखो, नारद मुनि का ये एक विजिट बहुत कुछ चेंजेस लाता है सबके जिंदगी में। वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल देता है, बच्चे को एक के बाद एक मारता है, स्वयं के पिता उग्रसेन को जो यदु, बोझ और अंधक डायनेस्टी के राजा थे उनको जेल में डाल देता है, और सुरसेन जो वसुदेव जी के जो पिता हैं सुरसेन उनका राज्य भी हड़प लेता है। तो बेसिकली पूरे मथुरा का अकेला राजा कंस। He declared himself the king of all such places. Election विलेक्शन कुछ नहीं, जाके बैठ गया सिंहासन पे, कंपल्सरी मैं ही राजा हूँ, राइट। इस तरह से पूरा कंट्रोल करके राजा बन गया, क्योंकि जब भय होता है, जब फियर आता है, व्यक्ति सिक्योरिटी करने के लिए हर प्रयास करता है, He tries to do everything. तो जिसने कृष्ण का आश्रय नहीं लिया है तो क्या करेगा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी करता है, राज्य, सामग्री, सेना, धन, उसको लगता है यही मेरा सिक्योरिटी है। पर जो भगवान का आश्रय लेता है उसको ये सब सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, वसुदेव को कुछ भय नहीं था कि उनको पता था कि कृष्ण बचाएंगे, पर कंस स्वयं को बचाने के लिए इतना प्रयास करता है, राइट। सो दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। थस एंड्स द भक्ति वेदांत पर्पोर्ट
ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कृष्णा बुक एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो ये पहला अध्याय था. सो बेसिकली सेटिंग द सीन कृष्ण के आविर्भाव के लिए ये सीन सेट हो रहा है. अगला अध्याय चैप्टर टू उसका शीर्षक है प्रेयर्स बाय द डेमिगॉड्स फॉर लॉर्ड कृष्णा इन द वूम्ब. अभी कृष्ण प्रकट होने वाले हैं देवकी के गर्भ में और उसके बाद देवता आके स्तुति करते हैं कृष्ण का, क्योंकि हमने देखा कि अब तक 6 पुत्र हुए, 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया. इसके बाद आगे जाके कृष्ण आके आश्रय लेते हैं देवकी के गर्भ में और देवता आके प्रार्थना अर्पण करते हैं. दैट इज चैप्टर टू. थोड़ा लंबा चैप्टर है चैप्टर टू. चैप्टर वन छोटा था, चैप्टर टू इज क्वाइट बिग. तो ये चैप्टर टू हम कल से शुरू करेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. हरे कृष्णा.